जो भी फील्ड रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, जितने लोगों से रोजाना बात हो रही है, तो पूरा टेम्पो तो कांग्रेस का ही बना हुआ है हरियाणा में। लेकिन बीजेपी एक संगठन के तौर पर और एक विचारधारात्मक प्रचार जो उसका है, हालांकि वो बहुत निगेटिव है और घृणा पे आधारित है, लेकिन उसके आधार 32-33% से 37-38% के बीच कहीं है और ये मत प्रतिशत उसको जाएगा। अब वहां जो 90 सीटें हैं, उन 90 सीटों में 20 सीटें मुझे ऐसी नजर आ रही हैं जिनमें त्रिकोणीय संघर्ष की संभावनाएं हैं, जिनमें निर्दलियों से त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है, बीएसपी उम्मीदवार से हो सकता है, एक दो जगह आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, और ये जो अभय चौटाला वाला लोकदल है उससे हो रहा है, और बीएसपी से हो रहा है, उससे हो रहा है। जेजेपी तो नहीं लड़ पा रही है, जेजेपी संघर्ष में नहीं दिख रही, लेकिन वो भी कहीं कहीं है, और ये सब मिलके करीब 20 सीटों पर अपना आप कह सकते हैं कि नियंत्रण कर रहे हैं, सब जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इन 70 सीटों में जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे पास जो सूचनाएं हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी अभी 45 और 25 पर है, यानी बीजेपी 25 पर है और कांग्रेस 45 पर है उन 70 सीटों पर जिसमें ये आमने सामने है। अब जो ये 20 सीटें बाकी बचती हैं जिसमें बाकी लोग सब त्रिकोणीय जिसमें फाइट है, इनमें से कौन कितना निकालेगा, कांग्रेस ज्यादा निकालेगी या बीजेपी ज्यादा निकालेगी, चांसेस बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस को ही ज्यादा निकालेगी, उससे उसकी संख्या का करेक्टर तय होगा, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी, जैसा कि उनका प्रोग्राम आ गया है, एक सेकंड, अगर राहुल गांधी उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखना होगा, उससे वो अपने विद्रोहियों की ताकत को कम करने में सफल होंगे ऐसा लगता है। राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो बहुत उत्साहित हैं जिस तरीके से रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, या पार्टी में जिस तरीके से गुटबंदी खुलकर आई है उसको खत्म करने की कोशिश है? दोनों बातें हैं, आपकी दोनों शंकाएं जायज हैं। एक तो उत्साहित है वो, उनकी दोनों रैलियों में जबरदस्त भीड़ हुई, अभी जो हाल की रैली थी उस पर अन्य चैनलों ने भी यूट्यूब वगैरह पर प्रोग्राम किए, और उसमें बहुत उत्साह था और बहुत जोश में लोग आए, और उससे सबसे बड़ी बात यह हुई कि शैलजा को लेकर जो बीजेपी प्ले कर रही थी एक हफ्ते वाली है, वो चीज एकदम जड़ से खत्म हो गई, और इससे जो है इलेक्शन में कांग्रेस का टेम्पो एकदम से हाई हो गया और अब वो काफी नजर आ रहा है इस तरह से। तो अब राहुल गांधी इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, और दूसरे उनके पास ये सूचना है जो सूचना मैंने अभी आपको दी कि 42 से 45 सीटों पर तो रहे हैं, लेकिन इस संख्या को आगे बढ़ाने के लिए 55 तक 56 तक ले जाने के लिए या 50 पार करने के लिए जरूरत है कि जगह जगह जो विद्रोही वगैरह खड़े हो गए हैं या जगह जगह जो गुटबाजी है पार्टी की उसको सीट वाइज आर एंड आउट किया जाए। उनके पास वो डाटा होगा क्योंकि उनके लिए विशेषज्ञ टीम एक बन गई है कांग्रेस में, मैं संपर्क में हूँ, उसके सूचनाएं मुझे भी मिलती रहती हैं। वो टीम जो कोनी गोलू है, क्या नाम है उनका, जो सुनील तमिल मूल के हैं, कर्नाटक से और अन्य जगहों से ऑपरेट करते हैं, उनकी टीम भयानक मैपिंग कर रही है, जो काम मध्य प्रदेश वगैरह में वो नहीं कर पाए थे, अब वो गलती करने की स्थिति में नहीं है और वो भयानक मैपिंग करके अपनी सूचनाएं दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि मैंने काम और उनका काम देखा था कलकत्ते में जब बंगाल का इलेक्शन हो रहा था, आईपैक को मैंने और जगह भी काम करते देखा है, आम आदमी पार्टी भी इस तरह से मैपिंग वगैरह करके अपना काम करती है, वो भी मुझे तजर्बा है, और मैं इनको भी वॉच कर रहा हूं। मैं कहूंगा ये उन दोनों से काफी ज्यादा आगे के लोग हैं और बहुत ही जमीनी इनकी सूचनाएं हैं, लगभग वैसी ही सूचनाएं जैसी हम लोग जुटाते हैं बहुत सारे सोर्सेस से, तो इसलिए ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल कॉन्क्रीट उनके अपने वॉर रूम में गई हुई सूचनाओं में से है, जिनमें वो विद्रोहियों के एरिया को आयरन आउट करना चाहते हैं जिससे कम से कम 10 सीटें वो इस पे अपनी संख्या को 55 कर सके। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक चीज है जो अभी कैलकुलेट नहीं की जा पा रही है, न उनके द्वारा न किसी के द्वारा, एक वातावरण जरूर है बीजेपी के खिलाफ। अब ये जो वातावरण है, लेकिन बीजेपी का अपना वोट भी है, तो इसलिए ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सब जो हमारे कैलकुलेशन है इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को सफलताएं मिल जाए।